हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी सलवार कटिंग करने का। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़ा बिछाया मैंने डबल, ये डबल कपड़ा बिछाया मैंने, ये देखिए पूरा डबल कपड़ा है, 2.5 मीटर का कपड़ा है ये। मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछा दिया है, इधर से बंद है, ये देखिए उधर से ओपन है, ये देखिए इधर से ओपन है, ये इधर से फोल्ड है, ये देखिए ऐसे कपड़ा बिछाना है। उसके बाद क्या करना है, हमें इसे फोल्ड कर लेना है। जैसे हमें 6-7 इंच की हमने ये पोंचे रखने हैं, पोंचे के हिसाब से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, जितने भी आपने पोंचे लेने हैं उस हिसाब से आपने इसे फोल्ड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 10 इंच का निशान हमें ऊपर लगाना है, जो हमने फोल्ड किया है इससे वहीं से ही, ये देखिए यहाँ से हमने कर दिया 10 इंच का निशान। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है 36 36 इंच की हमें बनानी है, तो 36 पे निशान लगाएंगे हम ज़रा सा, ये देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें 6 इंच की बेल्ट बनानी है, तो 6 इंच माइनस करेंगे तो 30 आएगा, तो आधा इंच मैंने ये देखिए 30.5 कर लिया है, आधा इंच का निशान सिलाई के लिए लगा मैंने लगाया है इसमें, तो ये 30.5 का निशान हो गया। अब ये 30.5 का निशान लगाने के बाद 10 इंच की हमें आसन का निशान लगाना है, ये देखिए 10 इंच का निशान ये आसन का है। अब उधर भी ऊपर की तरफ से हमें ये देखिए 10 इंच का निशान हमें आसन के लिए लगाना है। अब ये 10 इंच के निशान को, आसन वाले निशान को हमें ये इधर नीचे पहुँचे वाले निशान से मिला लेना है, जो लेंथ हमारी 30.5 ली थी, ये देखिए इसे मिला लिया मैंने। अब इसे डार्क कर लेना है, ये 10 इंच के निशान को। अब उधर से हमें, जहाँ से हमने 10 इंच का निशान लगाया है वहाँ से लेकर हमें इसे नीचे लेंथ लेनी है 30.5 की, ये देखो मैंने 30.5 पर निशान लगा लिया है। अब क्या करना है, 30.5 पर जो निशान अभी लगाया है उसे इस वाले आसन के निशान से हमें मिला लेना है, ये देखिए 10 इंच का निशान ये भी है, इसे इससे मिला लेना है, ये देखिए दो पैर के इधर से निकल गए और दो पैर के इधर से हिस्से हो गए, ये देखिए ये हमारे, देखिए। अब क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें निशान लगा लिया, और ये देखिए मैंने लगाया निशान पहुँचे का, यहाँ से लेकर ऊपर तक हमें कटिंग कर देनी है, ये देखिए ऐसे करके पहले पहुँचे की कटिंग करनी है, फिर ऊपर जाना है हमें, ये देखिए ये कुंदे हैं, ये कुंदे की कटिंग हो गई है, ये देखिए ये पहुँचे हैं नीचे, ये देखिए एक तरफ का हिस्सा निकल गया है, ये देखिए। अब दूसरी तरफ का ये यहाँ से लेकर वहाँ तक हमें काट लेना है लास्ट तक, ये देखिए यहाँ तक हमें कटिंग कर लेनी है, ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर मैंने इसे बिछा दिया है, देखिए इसके ऊपर रख दिया है, ये आपकी सलवार की कटिंग होगी, ये देखिए। अब ये देखिए दोनों कुंदे हमें ये कोने कोने से ही जोड़ लेना कपड़ा, ये देखिए इन दोनों को इन दोनों से जोड़ लेंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे, तो आपकी सलवार की कटिंग रेडी होगी। और हमें क्या करना है, अब हमें बेल्ट का कपड़ा निकालना है, ये देखिए ये कपड़ा बहुत बचा हुआ है, बेल्ट निकालेंगे हम इसमें से। बेल्ट के लिए हमें कपड़ा फोल्ड करना है लंबाई होगी हमारी 8 इंच, 2 इंच का हमें नेफे के लिए मोड़ना है, ये देखिए 2 इंच नेफा और 8 इंच हमारी, 6 इंच हमारी, 6.5 8 भी ले सकते हैं, 8.5 भी ले सकते हैं, मैंने 8.5 ली है, आधा इंच हमारी सिलाई में आएगा। और ये लंबाई हमें लेनी है, इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 22, क्योंकि 36 हमारी हिप है तो 18 होगा, 4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब इसे फोल्ड करके हमें कटिंग कर लेनी है, चौड़ाई होगी हमारी 22 इंच, ये देखिए। अब इन दोनों को अलग कर लेंगे कपड़े को, ये देखिए अलग कर लिया है, तो हमारी बेल्ट निकल गई है इतनी आसानी से, ये देखिए ये बेल्ट कट गई, ये हमारे पोंचे कुंदे दोनों निकल गए हैं, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पोंचे के लिए भी एक कपड़ा इसमें से निकाल लेना है डबल करके, कपड़ा अभी भी बचा हुआ है, पोंचे के बाद भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो देखिए इस सलवार की कटिंग करने से कपड़ा भी आपका बचता है, खुली खुली सलवार भी बनती है। और ये देखिए मैंने ये पोंचे के लिए कपड़ा भी निकाल लिया है, दोनों पोंचे के लिए कटिंग कर लिया, ये देखिए ये रेडी हो गया, कपड़ा भी बच गया आपका। बहुत ही इजी है ऐसे सलवार की कटिंग करना, बहुत ज़्यादा इजी है, सिलाई भी कम लगती है इसमें, दो तरफ से जोड़ना होता है, ये देखिए आपका ये रेडी होगा। अगर आपको मेरी ये
सलवार की कटिंग इजी लगे, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।